वेलकम टू द व्लॉग गाइस, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल चीज लेके आए हैं। वो क्या है, जैसे कि सर्दी बढ़ रही है, आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी लगती है, सुबह सुबह उठते लगती है, मन नहीं करता उठने का, और रात को सोते टाइम भी जल्दी नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि जल्दी सर्दी लगती है, भाई जल्दी से उठ के और सो जाओ, ठीक है। तो उसके लिए आज आप लोग स्पेशल व्लॉग क्या है, क्योंकि सर्दियों में लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो हम ये व्लॉग आप लोगों के लिए छोले भटूरे प्लस समोसे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों का लेके आए हैं। जैसे हम आप लोगों को कोटपुतली में जो स्पेशल रेस्टोरेंट है, और जो मतलब कहते हैं ना कि डाउन टू अप वाले रेस्टोरेंट है, एक होता है कि ठेली वाला, एक होता है रेस्टोरेंट वाला, वहाँ के एक तो रेट कंपैरिजन करवाऊंगा आप लोगों को उसके अलावा, और टेस्ट करके बताऊंगा कौन सा बेस्ट है, पैसे में और रेट में दोनों आप लोगों को पता चलेंगी। तो जो पहला हमारा रिव्यू होने वाला है वो होने वाला है छोले भटूरे का। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं होटल हाईवे कांजी के अंदर, और आप लोगों को यहाँ के छोले भटूरे टेस्ट करवाते हैं कि कैसा इनका टेस्ट रहता है, और रिव्यू बताएंगे पैसे का और टेस्ट का। चलते हैं। पर ये मेन्यू रखा हुआ है, देखते हैं। और सर वो ये इसमें छोले भटूरे कहाँ हैं? किचन में छोले भटूरे तो सर नहीं है, मतलब लिखा हुआ इधर है क्या? तो देखते हैं, मतलब स्टाफ भी अच्छा है यहाँ का, देख सकते हैं आप, ठीक है। मैंने पूछा नॉर्मली छोले भटूरे कहाँ हैं, उन्होंने सही बोला है वैसे कि ये किचन के अंदर, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है ऑर्डर कीजिए। तो बता सकते हैं आप, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं? कोटपुतली से ही सर, कहाँ हैं बता सकते हैं? छोले चावल दिख रहा है मेरे को तो। ओके तो ये रहा जी, 2 पीस यहाँ पे दिख रहा है जी, छोले भटूरे 2 पीस 170 रुपीज, और टैक्स अलग है जी, प्लस GST। सो गाइस, हमारा छोला और भटूरा आ चुका है। दिस इज छोला एंड दिस इज भटूरा। ये ऑप्शनल है, रायता फ्री है इसके साथ, और ये भी फ्री है। यार मेरे को इतना मस्त लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा, इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो भटूरा, छोला भटूरा, दिस इज छोला भटूरा गाइस, और इतना प्यारा लग रहा है। भैया आपका नाम? मोहन जी लेके आए हमारे लिए, धन्यवाद भैया, ठीक है। और ये हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं, टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है। ओके, भटूरों से ज़्यादा छोले गर्म है, इतना टेस्ट आ रहा है, मतलब मुंह में घुल गए हैं, तो इतना मस्त टेस्ट आया, मजाक नहीं कर रहा। दिस इज रायता, दिस इज छोले, दिस इज भटूरा, दिस इज फ्री, स्वाद आ गया गाइज, देख सकते हैं फिनिश्ड। अभी तक बेटा कार आ रही है, क्यों? क्योंकि हाइजेनिक था, ज़्यादा ऑयली नहीं था, टेस्ट अच्छा था, इन्होंने बेस्ट क्वालिटी का सब कुछ यूज़ किया हुआ है। सही ऑयल की बात करें, जी किसी जो भी चीज़ उन्होंने यूज़ किया, जी छोले ले लो, कुछ भी ले लो, बढ़िया यूज़ किया, रायता था ही टेस्टी, ठीक है। तो बहुत अच्छा टेस्ट आया मेरे को, और मज़ा आ गया यहाँ पे, और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं, हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है, देख सकते हैं आप, हाईवे प्रिंस, हाईवे आया हुआ है, वो हाईवे कांजी था, ये हाईवे प्रिंस है। यहाँ के छोले भटूरे टेस्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं, रेट और टेस्ट दोनों बताते हैं उसका, 170 विद GST। यस, स्नैक्स, दिस इज गाइस स्नैक्स, स्नैक्स के अंदर आता है। और अभी ये रहा छोला भटूरा, क्या ये कायर का गया, ये रहा छोला भटूरा, टू पीस और 180 160 180 गाइस, 10 रुपये ऊपर है, 180 है, टेस्ट चेक करते हैं ऊपर है। सो भैया आए हैं हमारे पास। सो ऑर्डर हमारा है सर, 1 प्लेट छोले भटूरे। तो गाइस, हमारे लिए आई है वेलकम ड्रिंक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, 5 गिलास 5 लोग और फ्री ऑफ कॉस्ट, वेलकम ड्रिंक, मतलब समझ रहे हैं, वेलकम ड्रिंक का मतलब वेलकम ड्रिंक, ये हमारे लिए। सो गाइस, हमारा छोला भटूरा आ चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पे, एक इन्होंने मिर्ची दी है, और ये छोले हैं इनके, और ये यहाँ पे एडिशनल है, और इन्होंने भी रायता दिया है, देख सकते हैं। ये थोड़ा साइज बड़ा लगा मेरे को, थोड़ा साइज बड़ा है ये वाला, ठीक है, और एक पीस और आ रहा है, ये एक ही पीस है, ठीक है, चेक करके बताता हूँ इसको भी।
ठीक है ठीक है, उसके कंपैरिजन में नहीं है, 10 रुपये ज़्यादा भी है, 180 है, बट उसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं है। एक रायता और चेक कर लेते हैं, ये भी पानी है, उनका ही सही था। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं रॉयल रेस्टोरेंट, जैसा कि आप लोगों को बैकग्राउंड लोकेशन दिख रही होगी अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो, ठीक है। तो अभी यहाँ का रिव्यू देंगे आपको, यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया है। और छोले भटूरे की बात करूँ तो छोले भटूरे 80 रुपीज़, 80 रुपये यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। और टेस्ट करते हैं वर्थ इट है या नहीं है, ओके बताते हैं आपको। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन में चलते हैं, पहले यहाँ का चेक करेंगे। सो गाइस हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं और देख सकते हैं आप, दिस इज अवर टूर। ये फ्री है, फ्री तो नहीं है, 80 रुपये में ये भी है, ठीक है। ठीक है, ये छोले हैं, ये छोले हैं और ये भटूरे हैं, ये अचार है। भैया रायता नहीं दिया आपने, रायता नहीं है इन्होंने बना किया, रायता नहीं है, 80 रुपये में रायता काट लिया इन्होंने। तो अभी चेक करके आपको बताते हैं क्या इसका टेस्ट है। मस्ट गुड, उस सच में बढ़िया है, तेरी कसम भाई बढ़िया। मैं क्यों छोले बैठ गया भाई, तेरी कसम, 80 रुपये में जो टेस्ट हमें 180 में नहीं मिला वो 80 रुपये मिल गया। रियलिटी बोल रहा हूँ गाइस, अलग लेवल का टेस्ट है गाइस। जैसे 2-3 जगह हम लोगों ने भटूरे वगैरह चेक किए और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे वहाँ हमने चेक किया, जैसे कांजी हो गया और प्रिंस हो गया, उसके अलावा जो थर्ड था हमारा रॉयल रेस्टोरेंट, अभी भी रॉयल रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठे हैं। तो हमने किया क्या, मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा, जाम वगैरह लगा हुआ था और हमारा वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने क्या किया वहाँ से 2 जगह से ये पैकिंग करवाई, एक जगह वाइट पैकिंग एक जगह ब्लैक पैकिंग, ओके। तो वाइट और ब्लैक के अंदर डिफरेंस आपको भी दिखेगा, मतलब टेस्ट करके बताएंगे, प्राइजेस भी बताऊंगा आपको और जो टेस्ट है वो इनका आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके खोलते हैं इनको, क्या क्या चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करवाई है पैकेजिंग के अंदर और प्लेट के अंदर सर्व करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या इन्होंने दिया है, क्या टेस्ट दिया है, ओके। सो गाइस ये जो हमारी प्लेट अभी हम सर्व कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो मतलब लेके आए, ये लेके आए जोधपुर मिष्ठान भंडार से, जिन्होंने मिर्ची अचार और सैलेड को मिक्स कर दिया है, शर्म है उनको, ठीक है जो। और अभी हम इसकी ओपनिंग कर लेते हैं, ओपनिंग कर रहे हैं जी। ओपनिंग मतलब जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है ना, वैसे ओपनिंग करते हैं इसकी। ये इन्होंने छोले डाले, भटूरे ज़्यादा छोले डाल रखे हैं, ओ ओ ओ ओ पनीर भी डाल रखा है गाइस, छोले भी डाले हैं, छोले तो डाले हैं छोले, और छोले इंस्टेंट छोले नहीं है भाई, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, हाँ एक्स्ट्रा तो डाले हैं भाई। अब देख सकते हो 2 प्लेट भर चुकी हैं यहाँ पे और ये हम डस्टबिन में डाले थे। और उसके अलावा ये जो इनके भटूरे हैं वो चेक करते हैं, ओ ओ ओ गाइस देख सकते हैं आप, दिस इज छोले भटूरे, इनको इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि कितना ऑयल है यार, देखो गाइस देखो देखो ऑयल, देखो ऑयल, देखो इनके अंदर क्या क्या बना रहे। अरे एक मिनट देखना, उरो उरो एक मिनट, अरे खाएगा क्या फिर, खाएगा क्या, ओ भाई साहब गाइस अनहाइजेनिक है बहुत ज़्यादा, इतना तेल निकला है मैं एक बार पूरी उतार लेता घर पे, मतलब एक इतना तेल इन्होंने भटूरे में दिया है कि एक बार की सब्जी बन जाती घर की। तो देख सकते हैं हम इतना तेल इसके अंदर निकला है, और ये इनके भटूरे हैं और ये छोले जो कि हमें वर्थ मतलब इनकी प्राइस हमें पड़ी 45 रुपीज़, जिनमें से इन्होंने 45 का तो तेल दे दिया हमको। तो इनके छोले चेक करते हैं, ये भटूरा हो गया, क्या टेस्ट है भाई, छोले ठीक है भाई, गलत नहीं बताऊंगा, बट जो भटूरे है ना वैसे लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं बना रखे हैं, हाइजीनिक नहीं है, अनहाइजीनिक है, खा सकते हो कम बजट के अंदर, ठीक है। इसका मैंने रिव्यू बताया आपको, छोले ठीक है, सैलेड मेरे को बेकार लगा, उसके अलावा ये ख़त्म। नेक्स्ट हमारे पास आए भटूरे, वाओ ओए
कम है भाई, ऑयल निकाल दिया सब, पेपर में निकल चुका है देखो, इनमें कम है ऑयल, कम ऑयल नहीं दिखी नहीं रहा भाई। कहाँ से लाए ये भी बताओ। ये वाला बताते हैं, ये लोकल स्ट्रीट फूड है जो कि सबको पसंद है, ठीक है। स्ट्रीट से लेके आए हैं, जो पुल के नीचे वगैरह लगते हैं या गली में लगते हैं उनसे लेके आए हैं। एक प्लेट हमने उनका चेक करने के लिए हमने ट्राई किया कि जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ट्राई कर रहे हैं भाई इतने हाई रेट्स के अंदर, उसके अलावा नॉर्मल जो रेट होती है उसके अंदर भी ट्राई करें। तो 20 रुपीज़ के दो छोले भटूरे हैं जिसके अंदर उन्होंने क्या क्या दिया है दिखा देता हूँ आपको। ये प्लेट है, ये उनके छोले हैं, ये भटूरे हो गए और गिलास भी दिए, मूली के लिए मूली, और इसके अलावा मूली भी दिए गाइस, प्याज महंगी हो गई आई थिंक। उसके अलावा वो लस्सी भी दिए 20 रुपए में, वही छाए लस्सी भाई की बोलते हैं साथ। और गाइस एक्स्ट्रा छाछ दी है, नहीं नहीं एक्स्ट्रा नहीं, 10 रुपए लगे, लगाए 10 रुपए लगे इसी में भी। सो गाइस ये उन्होंने देखो छाछ दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज छोले एंड दिस इज भटूरा। भटूरा चेक करके बताते हैं आपको, साइज छोटा है, थोड़े टाइट भी हो चुके हैं, एक बार छोले टेस्ट करके बता देता हूँ आपको। छोले की बात करूँ स्ट्रीट वाइज रेट वाइज ठीक है, भटूरे वही टाइट है रेट, और ये तो बनता है पानी है, सॉरी पानी है। ये पानी है, मतलब ज़्यादा 20 रुपये में ऐसा कुछ खास लगा नहीं। बट अगर आपको, मैंने जितने भी रेस्टोरेंट दिखाए बड़े बड़े रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं गया उसके अंदर जो सबसे टेस्ट वाले की बात करूँ मैं, तो टेस्टी था कांजी का, जिसमें छोला भी बेस्ट था, भटूरे बेस्ट थे, स्टाफ भी बेस्ट था, सब कुछ बेस्ट था। सेकेंड हम गए थे हाईवे प्रिंस के अंदर, जिसमें हमें छोले बिल्कुल पसंद नहीं आए, और आपको पता है मेन छोला ही होता है छोले भटूरे के अंदर, छोले भटूरा जान होती है छोले की, मतलब एक तरह से उसकी वजह से छोले भटूरों को जाना जाता है क्योंकि टेस्ट के अंदर वही मैच करता है, तो हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके अलावा नेक्स्ट हम आए थे रॉयल रेस्टोरेंट के अंदर, अगर रेट कंपेरिजन करें तो वर्थ इट था रॉयल रेस्टोरेंट का, मतलब 80 रुपये में जो हमें मिला वो सबसे सही मिला था कि 80 रुपये में हमें वो टेस्ट मिल गया, बट उस लेवल का नहीं था जो कांजी का था, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा जोधपुर का था 45 रुपीज़ में, उन्होंने आधी किलो तेल दिया आपको दिखाया, मेरा अभी भी ऑयल नहीं जा रहा है हाथ से, और इनका ऑयल था जो पेपर में जा चुका है, इसका मतलब इनके में भी ऑयल रहता है अगर वहाँ पे खाता तो मैं। और उसके अलावा छोले आपने देख लिए, छोले मतलब एवरेज थे, ज़्यादा टेस्ट नहीं था, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, एवरेज थे, बाकी ज़्यादा टेस्ट नहीं था। आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि अगर टेस्ट ही करना है तो अगर बजट है तो कांजी से ही करना, कांजी या रॉयल रेस्टोरेंट, दो ही मैंने आपको बताया, कांजी या रॉयल रेस्टोरेंट, इनमें ही ट्राई करना। उसके अलावा जो अदर रेस्टोरेंट बसते हैं या स्ट्रीट फूड बसता है उसके अंदर अगर बजट कम है तो 20 रुपये में 45 रुपीज़ में चल जाएगा, और अगर तेल लेके जाना घर पे तो जोधपुर वाले से आप जा सकते हो, वो एक्स्ट्रा तेल देगा आपको, जो घर पे आप सब्जी भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक रिव्यू था छोले भटूरे का, आई होप आपको एक ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं।